तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि iOS 17.4.1 रिलीज हुआ था उसके बारे में, कि उस अपडेट में हमें क्या कुछ जो बग फिक्सेस है वो देखने को मिलते हैं और क्या कुछ नए बग है वो देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो iOS 17.4.1 रिलीज हुआ था, जो कि 22 मार्च को हमें अपडेट देखने को मिला था। जो अपडेट साइज थी वो हमें मिली थी 377.5 MB। मुझे 13 में ये साइज देखने को मिली थी, हो सकता है आपको डिफरेंट साइज देखने को मिले, ये डिपेंड करता है आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें बग फिक्सेस हमें देखने को मिलते हैं, कितनी स्टोरेज ये हमारे यूज करता है, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि इस अपडेट को आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, जैसे कि आज 30 मार्च है एंड ये अपडेट आया था आज के 8 दिन पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि iOS 18 भी बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि एप्पल ने मेंशन कर दिया है। एंड जो एप्पल का WWDC 24 है वो भी हमें 10 मार्च से देखने को मिल जाएगा, 10 से 14 मार्च तक वो चलेगा। तो उन चीजों को आप मिस ना कर दो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही iOS 18 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों iOS 17.4.1। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि इसका एक रीवर्जन भी आया था, जो कि iOS 17.4.1R था, जो कि हमें नॉर्मली हम सेटिंग में जाके अगर अपडेट में चेक करेंगे तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसको अपडेट करने के लिए हमें सिस्टम से उसको अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी साइज हमें लगभग 5 to 6 GB के आसपास देखने को मिलने वाली। वो एक तरीके से iOS 17 वापस से हमारे फोन में इंस्टॉल होगा, उतनी उसकी साइज होगी। वो एप्पल ने क्यों रिलीज किया है ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि हमें बहुत सारे इस अपडेट में बग देखने को मिले जो कि iOS 17.4.1 में थे। सबसे पहला तो दोस्तों मेरे को जो मिला था वो ये था कि मेरे जो नेटवर्क में है वो इशू आने लग गए उसके बाद बहुत। अगर आपको भी इशू आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है सेटिंग में जाना है अपने फोन की, देन यहाँ पे आपको जो जनरल का ऑप्शन दिख रहा है जनरल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे होगा ट्रांसफर और रीसेट आईफोन, आपको क्लिक करना है। जो रीसेट का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक तो इरेज ऑल डेटा एंड कंटेंट एंड सेटिंग्स, एक होगा रीसेट। तो हमें सिंपली रीसेट पे क्लिक करना है, रीसेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जो हमारा फोन एक बार रिस्टार्ट होगा एंड नेटवर्क हमारे नॉर्मली चलने लगेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी स्टोरेज है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ये मेरी स्टोरेज है जो कि अभी मैंने iOS 17.4.1 इंस्टॉल करने से पहले स्क्रीनशॉट लिया था, जो कि मेरे iOS 17.4 ने 11.13 GB यूज कर रखी थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद, मैं आपको बता दूं इंस्टॉल करने के बाद भी कुछ ज़्यादा स्टोरेज में चेंजेस नहीं आए थे, 11.11 GB यूज कर रखा था मेरे, तो ज्यादा कुछ मेरे को स्टोरेज में फर्क देखने को नहीं मिला है। बाकी बग्स तो मैं बता दूं बहुत ज्यादा बग्स है, मेरा फोन जो है इसके बाद बहुत हैंग करने लगा है, लाइक स्टक हो जाता है, एक जगह वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है तब जाके ये वापस से चल पाता है ढंग से। बाकी और कुछ इसमें नई चीजें हमें नहीं बताई थी iOS 17.4.1 में, जो इसका रीवर्जन है वो मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं उसका आपको नहीं बता सकता। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि उस पर एक फुल वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं iOS 18 जैसे ही आएगा तो उसके भी अपडेट्स मैं आपको इसी चैनल पे देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियोस आए वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो बस दोस्तों यही कुछ था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।